मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा कि जनता इन पर विश्वास नहीं करती। सोशल मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस का जबलपुर का टिकट घंटा घर चौराहे पर टंगा है, जो लेना चाहे ले जाए। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और मैहर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक ली, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने चुटकी ली और कहा कि कमलनाथ के खुद का ठिकाना नहीं है, उनकी पार्टी उन पर विश्वास नहीं करती। दिग्विजय सिंह की दरवाजे से वापसी हुई है, उन्हें तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहां जबलपुर में सोशल मीडिया में चल रहा था कि घंटा घर चौराहे पर कांग्रेस का टिकट टंगा है, जो लेना चाहे ले ले। मतलब कमलनाथ की इस बात को आप हमसे पूछ सकते हो, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है, उनकी पार्टी जिन पर विश्वास नहीं करती। मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बोलता था, बेचारे दरवाजे से वापस हुए हैं, तो उन्हें तो कम से कम अब ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी व्यक्ति, हम किसी भी जांच के लिए तो तत्पर हैं ही, क्योंकि हम गर्व करते हैं कि देश की आज़ादी के 75 साल में ये मोदी का एरा है 10 साल का जो निष्कलंक है। मैं भी तमाम परिवर्तनों को देखने वाला आदमी हूँ। 34 साल पहले संसद में गया था, 77 से 2014 तक के हर घटनाक्रम का मैं साक्षी हूँ। मैंने ऐसा शुचितापूर्ण कार्यकाल, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, जनता से करता हूँ, कोई दशक ऐसा नहीं है जो निष्कलंक रहा हो कि मोदी के समय को छोड़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।